हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार मिश्रा आप सबके बीच इतिहास विषय के साथ उपस्थित हूँ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का स्वागत है। आप सबके बीच मैं पुनः बीए प्रथम वर्ष इतिहास फर्स्ट पेपर लेकर के उपस्थित हूँ, जिसका जो चैप्टर है तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक का कार्यकाल रहा है, इसके बारे में हम सबको आज अध्ययन करना है। तुगलक वंश के जो महत्वपूर्ण शासक जिसका नाम गयासुद्दीन तुगलक है और जिसका कार्यकाल 1320 ईस्वी से लेकर के 1325 ईस्वी तक का कार्यकाल है, इसके बारे में आज हम सभी अध्ययन करेंगे। गयासुद्दीन तुगलक टॉपिक को पढ़ने से हमें किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है उस पर हम सभी चर्चा करें, इससे तुगलक वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है, गयासुद्दीन तुगलक के प्रारंभिक जीवन के बारे में हम सभी आज अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सभी चर्चा करते हैं गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जिसका कार्यकाल 1320 ईस्वी से लेकर के 1325 ईस्वी तक का कार्यकाल रहा है, मात्र 5 वर्ष का कार्यकाल रहा है गयासुद्दीन तुगलक का, और गयासुद्दीन तुगलक को तुगलक वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। तुगलक वंश का संस्थापक यानी कि तुगलक, प्रश्न पूछ सकता है कि तुगलक वंश की स्थापना किस सुल्तान ने की, आप लोग क्या बताएंगे? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, जिसका प्रारंभिक यानी कि बचपन का नाम गाजी मलिक था। क्या नाम था? गाजी मलिक। इसके साथ साथ जो तुगलक सुल्तान थे उन सुल्तानों में सर्वाधिक प्रसिद्ध सुल्तान का जो नाम हमारे सामने उभर करके आता है वो पहला शासक है गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं और जिसने तुगलक वंश की नींव भी रखी। तो एक तो पहला नाम गयासुद्दीन तुगलक हो गया, उसके बाद एमबीटी का मतलब होता है मोहम्मद बिन तुगलक, फिर उसके बाद है एफएससी, इसका मतलब होता है फिरोज शाह तुगलक, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, यह तीनों सुल्तान तुगलक वंश के सर्वप्रसिद्ध सुल्तानों की श्रेणी में से आते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बाद के जो उत्तराधिकारी हुए वह निर्बल तथा अयोग्य हुए, जिसके कारण फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक वंश का पतन भी हो गया। लेकिन अभी हम उसमें चर्चाएं बातें करेंगे। जब तुगलक वंश की स्थापना हुई, स्थापना के समय में दिल्ली सल्तनत का वैभव और उसकी क्षेत्र की सीमाएं और दृढ़ता पूर्वक उसके क्षेत्र का विस्तार और प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हुआ, और तुगलक वंश के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत अपने वैभवपूर्ण गौरवपूर्ण कार्यों के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के बाद जो अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी थे उन लोगों ने तुगलक वंश के पतन में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। गयासुद्दीन तुगलक के पिता का नाम मलिक तुगलक था। क्या नाम था? मलिक तुगलक, जो कि बलबन का गुलाम भी था। माता गयासुद्दीन की माता पंजाब की एक जाट स्त्री थी, यहां ध्यान देने की जरूरत है। यहां पिता मलिक तुगलक यानी कि मुस्लिम वर्ग और माता जाट स्त्री यानी कि माता हिंदू, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक यानी कि गाजी मलिक
के रक्त में हिंदू और मुस्लिम दोनों के रक्त का सम्मिश्रण था, जिसके नाते वह एक योग्य और वीर सुल्तान के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। गाजी मलिक, इसके तदुपरांत गाजी मलिक अपने दो सगे भाइयों जिसका नाम आता है रज्जब और अबूकर, जैसा कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार रज्जब और अबूकर को लेकर के खुरासान के रास्ते भारत आया था। कौन? गाजी मलिक यानी कि ग्यासुद्दीन तुगलक अपने दो भाइयों रज्जब और अबूकर को लेकर के खुरासान के रास्ते से भारत आया था और आने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ नौकरी कर ली। किसके वहां? अलाउद्दीन खिलजी के वहां गाजी मलिक यानी कि ग्यासुद्दीन तुगलक ने नौकरी कर ली। इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने ग्यासुद्दीन तुगलक की सैनिक प्रतिभा से प्रसन्न होकर के दिन प्रतिदिन उसके पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि करता हुआ चलता चला गया। आगे चल करके उसकी प्रतिभा से, उसकी मतलब ग्यासुद्दीन तुगलक की प्रतिभा से प्रसन्न होकर के अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र के पास स्थित दीपालपुर की चौकी का संरक्षक नियुक्त कर दिया। इसके तदुपरांत अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में तमाम प्रकार के मंगोल आक्रमण हुआ करते थे। ग्यासुद्दीन तुगलक ने उन मंगोल आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की सीमा को सुरक्षित किया और मंगोलों को दिल्ली के सीमा से खदेड़ करके बाहर किया। इसके साथ ही साथ उसकी शक्ति और आगे की तरफ बढ़ती गई और अलाउद्दीन खिलजी के दिल को और वह जीतता गया और पद को प्राप्त करता गया। आगे चलकर के खिलजी वंश के अंतिम शासक, देखिए यहां पे ध्यान देने की जरूरत है, आपकी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछ सकता है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो खिलजी वंश का अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। क्या नाम है? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की उनके प्रधानमंत्री खिलजी वंश के अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के प्रधानमंत्री खुसरो खाने, किसने? खुसरो खाने 1320 ईस्वी में हत्या कर दी। यानी कि खिलजी वंश के अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या उसके प्रधानमंत्री खुसरो खाने 1320 ईस्वी में कर दी। बाद में चूंकि गयासुद्दीन तुगलक एक शक्तिशाली हो चुका था और उसकी एक छत्र राज्य साम्राज्य में स्थापित हो चुकी थी, इस उद्देश्य से उसने ग्यासुद्दीन ने खुसरो खान जो कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का क्या था? प्रधानमंत्री था, उससे गद्दी छीन ली और तुगलक वंश की नींव डाल दी। ठीक है, यानी कि तुगलक वंश की स्थापना किसने किया? ग्यासुद्दीन तुगलक ने। कैसे किया? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की उसके प्रधानमंत्री खुसरो खान के द्वारा हत्या करने के बाद खुसरो खान से गद्दी को छीन करके ग्यासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव डाली। आइए फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं, जब नींव डालने के बाद उसका राज्यारोहण, उसका मतलब ग्यासुद्दीन तुगलक, उसका बचपन का नाम गाजी मलिक। तो गाजी मलिक का राज्यारोहण कैसे होता है इस पर हम थोड़ी चर्चा करें। दिल्ली के हजार सितून महल में उसका राज्याभिषेक हुआ और वह गद्दी पर बैठा। जब वह दिल्ली के हजार सितून महल में जब ग्यासुद्दीन तुगलक प्रवेश किया तो उस समय उसको अपने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की याद आई और अलाउद्दीन खिलजी के परिवार का सत्यानाश यानी कि धराशाही पतन को देख करके उसकी आंखें भर आई और वह रो पड़ा और रोने के बाद उसने कहा कि यह गद्दी हमारी नहीं, हम अपने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में एक सैनिक की भांति सेवा किए थे और हम इस पद पर बैठने के लायक नहीं।
उसने जनता को आह्वान किया, तुर्कों को, अमीरों को, विरोधी सरदारों को सबको एकत्रित करके एक जनसभा बुलाई और बुलाने के बाद कहा कि आप लोग खुद देख रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के कोई भी सगे संबंधी या कोई भी जीवित हो तो आप लोग उसे ही दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाएं। तो जनता ने कहा कि अब खिलजी वंश का कोई भी शासक जीवित नहीं था। क्यों? क्योंकि खिलजी वंश का अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था, जिसकी हत्या खुसरो खान, जो कि उसका खुद का प्रधानमंत्री था, उसने हत्या कर चुका था। इसलिए खिलजी वंश का कोई भी सगा संबंधी या पुत्र जीवित नहीं था। इस नाते लोगों ने कहा कि अब कोई नहीं बचा है, इस नाते अब आप ही दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठिए। तब जाकर के गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आरूढ़ हुआ और 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। प्रश्न पूछ सकता है कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कब बैठा? तो 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। आइए हम फिर चर्चा करते हैं राज्याभिषेक। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक पहली घटना थी जिसमें जब किसी व्यक्ति को सर्वसम्मति से सुल्तान चुना गया। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सर्वसम्मति से किसी को सुल्तान चुना गया। यह पहली घटना थी जब गयासुद्दीन तुगलक के मामले में जनता ने निर्णय लिया था और सर्वसम्मति से उसे अपना सुल्तान चुना था। ऐसे में इतिहासकार बर्नी कहता है कि जब उसने राज्यभार संभालते ही इतनी योग्यता और दृढ़ता से कार्य आरंभ कर दिया कि लोगों ने समझा कि अलाउद्दीन खिलजी मरा नहीं है बल्कि वह फिर से जिंदा हो गया है। ऐसे कार्य प्रणाली, ऐसी अपनी योग्यता का परिचय दिया और लोगों के दिलों में उसने राज किया। अब इसके साथ ही साथ इस चैप्टर से हम देख सकते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बन सकते हैं। जैसे मैंने ये बताया ही है कि गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल कब से कब तक है, या उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के बचपन का क्या नाम है, तो गाजी मलिक। इसके बाद तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कब बैठा, तो 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। किस महल में बैठा, तो हजार सुकून के महल में बैठा। तो आइए हम सभी नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे और फिर से नए वीडियो के साथ चर्चा करेंगे। थैंक यू।